महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन आईटेक की ओर से विधानसभा पर दस्तक दी गई। इस मौके पर तमाम महिलाओं ने अपनी आपत्ति एनबीसीएन समक्ष बताई। आइए डालते एक नजर। दर्शकों, इस समय इनबीसीएन की टीम जो खड़ी है महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन के, ये तमाम लोग आप यहाँ पे जो महिला बड़ी संख्या में आई हुई है, सैकड़ों की संख्या में आई हुई है, सरकार को अपनी मांगे जो है मनवाने के लिए यहाँ पे आई हुई है। इनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, इन्हें बराबर वेतन नहीं मिला जा रहा है, कामकाज के समय नहीं दिया जा रहा है, और जब से ये लगी है इनके साथ में बराबर अन्याय अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए ये महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आज इस मैदान में सरकार से दो हाथ करने आई हुई है, सरकार को अपनी बातें मनवाने के लिए यहाँ पे आई हुई है। आइए हम सीधा रुक करेंगे कुछ महिलाओं के पास, उनसे जाना चाहेंगे। मैडम, ये बताए कि आज आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या आपकी समस्या है? हमारी ये समस्या है कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, 2003 से काम कर रहे हैं, हमारे को 15 या 16 साल हो गए अभी, उसमें से हम मांगे कर ही कर रहे हैं, आश्वासन देते लेकिन वो कुछ भी पूरा नहीं कर रहे, और पूरा तो नहीं कर रहे लेकिन प्रिंसिपल लोगों का और तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है। ये काम करो, वो काम करो, चार घंटे का टाइम दिया है काम का हमारे का, चार घंटे के टाइम में हमारे को छह सात घंटे हमारे को टाइम में काम करवा जा रहा है, और वो भी काम प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं किया तो धमकी दी जा रही है कि आप लोग को निकाल दिया जाएगा। ये पूरे जो सब लोग आज यहाँ पे आए हुए हो, कहाँ से आए हुए हो? ये पूरे जो आए हैं सभी अलग अलग जिले से आए हैं, गढ़चिरौली जिले से आए हैं, नांदेड़ से है, चंद्रपुर से, भंडार से, अरे सभी अलग अलग जिले से आए हैं, और वो भी सभी दो दो दिन का मुक्कन यानी रहने के हिसाब से आए हैं। उनको ऐसा है कि आज नहीं हुई हमारी मांगनी पूरी, तो हमारा आज का तो निश्चित था कि कल तक हमारा मुक्कन था यहाँ पे रहने के, यानी पूरी तरह से आए हैं सब लोग कि हम आज कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, तो अभी आज भी हमारे को आश्वासन ही दिया है उन्होंने। अभी देखो हमारा आश्वासन पूरा होना चाहिए, इतनी हमारी ये मांग से हम सब एकजुट होके सब महिला यहाँ आए। ये बताइए, यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है, जहाँ तक के तो हो जाना चाहिए, अगर नहीं होती है सरकार की ओर से, तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? और लड़ेंगे हम, लड़ेंगे तो लड़ेंगे और लड़ेंगे हम, लड़ने के लिए तो तैयार है हम, 2 दिन 4 दिन 8 दिन यही पे मुक्कम करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जब तक हमारी मांगनी पूरी नहीं होती तब तक हम लड़ेंगे यहाँ पे। आम्ही आरोग्य विभाग अंशकाल स्त्री परिषद म्हणून आम्ही काम करतो, आम्ही मध्यपीठी आहे, तर आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्यावरून आलो आहे, आम्ही 50 रुपये पासून आम्ही सिस्टर सोबत काम करतो, आम्हाला आता 10-20 वर्ष झाले आहे, आम्हाला आता आजवर 1200 रुपये मिळत होते, आता 3000 रुपये झाले, आम्ही सकाळी 8 वाजता पासून तर आम्हाला 5 वाजेपर्यंत शिष्ट ठेवतात, आणि आम्हाला काही मिळत नाही, ते आता गेलं दशेरा आम्हाला दौऱ्यावर नेतात, लसीकरणाला नेतात, आणि आम्हाला सर्वे करायला लावतात, आम्हाला डिलिव्हरी करायला लावतात, डिलिव्हरीचे कपडे धुवायला लावतात, आम्हाला स्वच्छता ठेवायला लावते, आम्ही 100 रुपयामध्ये आम्ही 5 वाजेपर्यंत राहतो, आम्हाला गव्हर्नमेंट आम्हाला 3000 रुपये आता देऊन राहिले, 50 रुपयापासून ते केलेले महिला मुली हा आपल्या म्हातारी आहे ना, काही मरून गेले आहे, काही सोडून गेले आहेत, आणि काही महिला आहे ना पेन्शन नाही, त्याला काहीच मिळत नाही, म्हणून आम्हाला आहे ना गव्हर्नमेंट आहे ना आम्हाला पगार वाढावं, आम्हाला पेन्शन लागू करावं, आम्हाला 20 किती सर आप क्या कहना चाहोगे? आयटक के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण कर्मचारी यूनियन का ये राज्यव्यापी आक्रोश मोर्चा यहाँ मंत्रालय में धड़क गया था। हमारे ये जो महिला जो है ये खाना पकाते स्कूल में 15-20 साल हो गए, सिर्फ उसको 1000 रुपये मासिक मिलता, वो भी 2-3 महीने नहीं मिलता। हमारा सवाल है सरकार से कि 1000 रुपये में पूरी जिंदगी चलती है, 1000 रुपये में पूरा अपना कुटुंब पाल सकेंगे? ऐसे सवाल करते करते हमारी लड़ाई चल रही है। अभी 23 नवंबर 2016 को इनका एक 5000 मानदंड वाले का प्रस्ताव बना, लेकिन अभी तक उनका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उसके पहले हमने वहाँ केंद्र सरकार से लड़ाई की, वो भी बोले कि हम हर दिन 350 रुपये देने को तैयार है, घोषणा भी हो गई, लेकिन अभी तक उसका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। आज बाला साहब थोड़ा शिक्षण मंत्री उनसे हमारी मुलाकात होगी, उन्होंने बोले ये प्रस्ताव को लेके हम मंत्रालय में एक मीटिंग लेंगे, और जो 5000 का प्रस्ताव हो हम उसको निकालेंगे। अगर वो नहीं होगा तो ये जो कोई योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, और आने वाले 8 जनवरी को देशव्यापी संप करके ये सरकार को हम धड़ा उनको ये बता देंगे कि कामगारों की ताकत कितनी है और ये कितना ये लड़ सकते हैं। और जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आईटेक के नेतृत्व में आखिर तक लड़ते रहेंगे।
तो आप ये तमाम लोग जो महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन के ये सदस्य बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, इनका ये कहना, इनका ये मानना है कि सरकार उनको जो तनख्वाह जो देती है वो बराबर नहीं दे रही है, उसके बाद में उन्हें काम इनसे ज़्यादा लिया जा रहा है, कुछ लोग तो कच्ची पे परमानेंट भी नहीं हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस बारे में इन्होंने कई बार कई अधिकारियों से शिकायत की, ये बात सरकार के दरबार तक पहुंचाई, मगर अफसोस कि सरकार भी है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सरकार अगर जनता की ओर ध्यान नहीं देगा तो जनता है कि फिर चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जब जब भी ऐसे जब जब सभाएं होती है और नागपुर शहर में होती है अधिवेशन के दौरान, तब ये लोग जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए, ये तमाम मांगे मनवाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करते हैं। नागपुर के अधिवेशन से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।